Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. क्या आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन पीक्स का नामकरण कैसे हुआ? क्या आपको ह्यूज माउंट एवरेस्ट के अलग अलग नाम पता हैं? क्या आप जानते हैं कि किस माउंटेन को सैवेज माउंटेन कहा जाता है? क्यों वर्ल्ड की सबसे ऊंचे माउंटेन पीक्स में से एक पीक को K2 कहा जाता है? आइए पता करते हैं इसके नाम के पीछे की क्या है कहानी। माउंट एवरेस्ट और माउंट K2 के नाम की हिस्ट्री को जानते हैं अपने पसंदीदा शो व्हाट्स इन द नेम में। ईस्वी में ग्रेट ब्रिटिश ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया के कमिश्नर लेफ्टिनेंट थॉमस जॉर्ज मॉन्टगोमेरी नॉर्थ वेस्ट कश्मीर के माउंटेन पीक्स की हाइट मेजर करना चाहते थे, लेकिन वह उस पीक के करीब पहुंच नहीं पाए जिन्हें वह मेजर करना चाहते थे। उन्हें सिंधु नदी नहीं पार करने का ऑर्डर दिया गया था। वहां एक रूमर फैला था कि ऐसा करना यानी गिलगित लोगों से दुश्मनी मोल लेना है। इतनी टफ चढ़ाई के बावजूद सर्वे टीम 5000 मीटर की हाइट पर अपना स्टेशन लगाने में सक्सेसफुल रही। एक बार पूरी टीम उस पहाड़ की चोटी पर 22 दिन के लिए भयंकर तूफान में भी फंस गई थी, जब वे सेक्रेड माउंट हरमौक के पीक पर चढ़े, जिसे लोकल्स भगवान शिव का घर मानते थे। वहीं नॉर्थ में 200 किलोमीटर दूर मॉन्टगोमेरी ने काराकोरम में दो प्रोमिनेंट पीक स्पॉट किए और उन्हें स्केच करके उन दोनों पीक्स का नाम K1 और K2 दिया। ग्रेट ब्रिटिश ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया टीम ने K1 और K2 का लोकल नाम देने का प्लान बनाया। लोकल बाल्टी लोग K1 को माशेर ब्रह्म कहा करते थे, लेकिन K2 का कोई लोकल नाम नहीं था क्योंकि बड़े ग्लेशियर से घिरा पहाड़ नजर ही नहीं आता था। बाल्टी लोग के आखिरी गांव अस्कोले से K2 पहाड़ दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसकी पीक्स ही दिखाई देती हैं। कुछ रिसर्चर्स ने इसका लोकल नाम छोगोरी दिया है। बाल्टी लैंग्वेज में छोगो का मतलब होता है बड़ा और री का मतलब होता है पहाड़, यानी बड़ा पहाड़। इस नाम का कोई प्रूफ नहीं मिलता है, यह लोकल लोगों का दिया नाम है या वेस्टर्न रिसर्चर का। K2 के दूसरे कई नामकरण करने की कोशिश हुई, फिर भी K2 नाम बना रहा। इसके लिए चीनी नाम कोगिर देने की कोशिश हुई, जिसका मतलब है पीक, लेकिन कोई चीनी या बाल्टी लोगों का दिया गया उर्दू नाम पॉपुलर नहीं हो पाया। यहां तक कि बाल्टी लोग इस K2 का उच्चारण केचू या केतु करते हैं। 1953 में चार्ल्स ह्यूस्टन, अमरीकी अभियान के सदस्य जॉर्ज बेल ने इसे सैवेज माउंटेन करार दिया। उसने जर्नलिस्ट से कहा कि यह एक जंगली पहाड़ है जो आपको मारने की कोशिश करता है। उसका दिया निकनेम सैवेज माउंटेन का प्रयोग भी K2 के लिए होता है। चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट और उसके नाम के पीछे की कहानी के बारे में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सगरमाथा कहते हैं। सगर मतलब स्वर्ग और माथा मतलब सिर, जिसका मतलब होता है हेड ऑफ हेवन। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को संस्कृत में देवगिरी कहते हैं। देवगिरी का अर्थ हुआ देवताओं का पहाड़ या पीक। 19वीं शताब्दी के दौरान ग्रेट ब्रिटिश ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया ने कई दशकों तक फैले एक शानदार स्नोई माउंटेन रेंज की पहचान की। यह माउंटेन पीक दार्जिलिंग के पहाड़ी रिजॉर्ट से 140 मील से ज्यादा ऊपर थी। सर्वे टीम ने शुरू में इस माउंटेन पीक का गामा नाम दिया, फिर 1847 ईस्वी में इसका नाम बदलकर पीक बी कर दिया। उस समय तक किसी को अंदाजा नहीं था कि पीक बी दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक हो सकता है। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन पीक पीक बी का नाम फिर माउंट एवरेस्ट कैसे पड़ गया? दरअसल ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया टीम ने अगले कुछ सालों में कई और सर्वे मेजरमेंट के बाद इस नए पर्वत की ऊंचाई को डिक्लेयर किया और पीक बी का नाम बदलकर पीक एक्स वी कर दिया गया। 1856 ईस्वी में भारत के ब्रिटिश सर्वेयर जनरल एंड्रयू वॉग ने इसे माउंट एवरेस्ट के रूप में नामित किया। रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने 1865 में
जनरल एंड्रयू वॉक की सिफारिश के आधार पर इस माउंटेन पीक का ऑफिशियल नाम माउंट एवरेस्ट रखा। एंड्रयू वॉक के पहले सर जॉर्ज एवरेस्ट सर्वेयर जनरल थे। सर जॉर्ज एवरेस्ट वास्तव में नहीं चाहते थे कि इस माउंटेन पीक का नाम उनके नाम पर रखा जाए। वे लोकल नामों पर बेस्ड इसका नामकरण चाहते थे, लेकिन तिब्बत और नेपाल के दरवाजे फॉरेनर्स के लिए बंद थे। हो सकता है कि एंड्रयू वॉक को इस माउंटेन पीक के तिब्बती और नेपाली नाम की कोई जानकारी नहीं रही होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट का एक तिब्बती नाम भी है? 1733 ईस्वी में पेरिस में भूगोल वेत्ता डी एनविल ने एक नक्शा पब्लिक किया था जिसमें माउंट एवरेस्ट का तिब्बती नाम मेंशन था, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में इसका तिब्बती नाम चा मो लुंगमा दुनिया को बताया स्वीडिश खोजकर्ता स्वेन हेडिन ने। माउंट एवरेस्ट का ऐतिहासिक और लोकल तिब्बती नाम चोमो लुंगमा है, जिसे तिब्बती लोग कोमो लंगमा भी कहते हैं, जिसका मतलब है दुनिया की देवी माँ। वैसे तिब्बती लोग इसको चोम लोह लुहंगम कहते हैं। इस एपिसोड में हमने दुनिया के दो सबसे बड़े माउंटेन पीक्स के नाम के पीछे की कहानी जानी, उनके नामों के हिस्टोरिकल और इंटरेस्टिंग किस्से जाने। अगले एपिसोड में हम फिर किसी इंटरेस्टिंग नाम की कहानी को आपके फेवरेट शो व्हाट्स इन द नेम में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। वीरों की भूमि भारत के दो शूरवीर योद्धा और उनके नाम के पीछे की कहानी का पता लगाएंगे हम व्हाट्स इन द नेम के अगले एपिसोड में।